दोस्तों उस्मान भाई को तो आप जानते हैं, उनके भाईजान हैं उस्मान भाई, तो क्या बोलना चाहिए हवाई महल के बारे में? हाँ तो दोस्तों बात ऐसी है कि ये हवा महल लगभग 1700 ईस्वी में बना था और इसको ऐसे हो जोधपुर में भी बहुत से किले देखने के लिए है। यस। आप कल शाम को क्या क्या मॉर्निंग में आए थे? अच्छा क्या क्या देखे आपने यहाँ? अभी हवा महल देखा है और किला देखा है, यहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर, भैरू जी का मंदिर, झील है ना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। महल बात रहे आपको हम रात के टाइम है, अभी तो टिकट अंदर जाने की एंट्री बंद है, पर ये रात का सीन है जो नज़ारा बता रहे आपको। तो पूरा आपको खूबसूरत नज़ारा आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। इस तरह देखिए सारे लोग यहाँ फोटोग्राफी करते हैं, ये देखिए कबूतर जो ऊपर किस तरीके से आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों इधर पूरी गुलाबी अभी शहर है इधर, जो आपको दिन में अच्छी तरीके से बताएंगे, रात में तो हमने बाइक पे वीडियो बनाया वो भी देखे आपने। तो ये है हवाई महल जो एक दूसरी साइड का आपको बता रहे हैं। राजा प्रताप सिंह ने बनवाया था और ये जयपुर जो शहर है, राजस्थान की जो कैपिटल है, राजधानी, ये जयपुर शहर 1727 में बसाया गया था इसको सवाई जयसिंह के द्वारा, जो कि आमेर के किले से राज करते थे। और फिर उन्होंने सोचा कि मैं दूसरा शहर बसाऊं, दूसरी सिटी बसाऊं, तो आमेर से उन्होंने ट्रांसफ़र करके अपनी राजधानी सिटी पैलेस को बनाया था। तो इसको 1727 में बसाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा, प्रथम के द्वारा, और उसी टाइम पे 1700 ईस्वी के अंदर ये हवा महल बना हुआ है, जो कि बताते हैं कि कृष्ण भगवान का जो मुकुट होता है उसके नक्शे के आधार पे इसको हवा महल को बनाया गया था। और इसको देखने के लिए विदेशों से टूरिस्ट आते हैं, ये मान के चलो लगभग हज़ारों की संख्या में लोग इसको रोज पर डे विदेश से देखने के लिए, हर कंट्री से देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये जयपुर के फेमस टूरिस्ट पैलेस है। तो आरिफ भाई आपको पूरा वीडियो दिखा रहे हैं, आप सभी से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ये अच्छी जगह है, आपको मौका मिले तो इंशाल्लाह आप भी कभी आएँ। तो बिल्कुल ये देखिए सामने उस्मान भाई ने जो जानकारी दी है, जो उस तरफ की भी, ये देखिए सामने दिखाई दे रहा। तो दोस्तों आपको ये बताएं पिंक सिटी का पूरा नज़ारा आपको बताएं, खाटू श्याम जी का मंदिर, भैरू जी का मंदिर, झील है ना, प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा तो आंटी आप तो वहाँ कहाँ रहते हैं? जोधपुर रामदेव जी मंदिर है ना, हाँ वहाँ रहते। कैसे लगी आपको यहाँ की गुलाबी शहर जयपुर? जयपुर सिटी कैसी लगी आपको? बहुत सुंदर। तो ये राजस्थान की राजधानी बोला जाता है, कैपिटल ऐसे ही है या सही है? अच्छा है, सुंदर है। अच्छा है ना। तो दोस्तों हम आपको बता दें इसको पिंक सिटी भी बोलते हैं, गुलाबी नगरी भी बोलते हैं और जयपुर शहर भी बोलते हैं। ये राजस्थान की राजधानी है, कैपिटल है और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। आपसे भी गुजारिश है कि आप जब भी यहाँ आए तो इसका एक बार जरूर विजिट करें, देखें। तो आंटी हवाई महल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है ना। तो सभी से हमने बात की है, देख रही नज़ारा रहता जयपुर का, तो आपने बने रहना चाहिए। जितनी भी सीरीज हम बना रहे हैं जयपुर की, एक एक वीडियो आपको जो आपको टूरिस्ट प्लेस के आप एक एक जगहों पे जाके आपको बताने वाले, तो बहुत ही खास नज़ारा रहता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी जयपुर की आपको टूरिस्ट प्लेस जगह है वो एक एक करके आपको बताने की कोशिश करेंगे हम। तो दोस्तों अभी तो हवाई महल का एंट्री बंद है और ऊपर टॉप तक जा सकते हैं, तो फिर कभी वीडियो में आपको हम बताने वाले, दिन में आराम से बनाएंगे वीडियो। तो ये रात का सीन आपको बताया हमने, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए आपने। बहुत से यहाँ एक्टर आके जो शूटिंग भी करते हैं, इस तरफ से जो होटल नज़र आ रही है वहाँ से सामने जो दिखाई दे रही है, देखिए उस तरफ, तो उस तरफ से आपको खूबसूरत नज़ारा बताया हवाई महल का, ये सामने से जो खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा आपको। तो इसमें आपको हमने बताया, तो जितनी बड़ी आपको खिड़की जो नज़र आ रही है यहाँ,
तो तकरीबन 50 खिड़की नजर आ रही जो, और एक में तीन है, आप क्वांटिटी लगा सकते हैं, एक खिड़की के अंदर तीन खिड़कियां हैं तो वो आप क्वांटिटी लगा सकते हो। तो दोस्तों ये था हवा महल, जो जयपुर का खूबसूरत नज़ारा आपको हमने बताया, बहुत से लोगों से हमने बात की है। तो हमारे साथ रज्जाक भाई भी है, रज्जाक भाई हम गाड़ी पे अब जाने वाले हैं घर, तो रात का बहुत टाइम हो गया जो आपको हम बता रहे, तो हमने पूरा जयपुर जो गाड़ी से घूमे, जो जितना भी पिंक सिटी का एरिया है, तो अभी हमारे साथ रज्जाक भाई है। तो माशाल्लाह आप लोगों से मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। अजंता न्यूज़ पे जितनी भी अपडेट आपको हम देने वाले, जयपुर सीरीज है उसकी अपडेट देने वाले। के 12:30 बज रहे हैं और ये पिंक सिटी का आपको नज़ारा बता रहे हैं हम, जो मेरे ठीक पीछे दिखाई दे रही है। और अभी रात में आपको हमने बताया थोड़ा सा, माशाल्लाह दिन में भी आपको खूबसूरत नज़ारा हम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा है पिंक सिटी का जो माशाल्लाह नज़ारा, दिन में भी देखना चाहिए आपने। तो जितनी भी मेरे साथ जब पीछे देखे इस तरह दिखाई दे रही पिंक सिटी है, और दुकानों के भी हर नंबर है, नंबर भी आपको बताने की कोशिश करिए, कितने नंबर तक लास्ट दुकान है उसकी भी बताने की कोशिश करें, दोनों साइडों से देखिए। तो यहाँ की जो हम जो चल रहे रोड से, रात में 12:30 बज रहे हैं और 12:30 बजे जो पिंक सिटी का नज़ारा हम देख रहे हैं और आपको भी बता रहे, तो बड़े हिसाब से बड़े आराम से आपने रात के दिन में जो गाड़ी चलाना चाहिए। ये हमारे रज्जाक भाई है, आगे देखिए चलाओ, देखिए रज्जाक भाई से बता दो, ये हमारे दोस्त है माशाल्लाह जयपुर में, और ये उनकी लड़की है प्यारी सी, हम शादी में थे, आ रहे हैं एक दावत में थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना भी था और बढ़िया मिठाई।